हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है Redmi K20 Pro और फाइनली जो है आज इसके अंदर हम Android 13 बेस जो है MIUI 14 ROM जो है यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि Redmi K20 Pro को अब कोई भी अपडेट जो है देखने को नहीं मिलने वाला है, बट फाइनली जो है जो डेवलपर्स हैं वो आपके लिए जो है MIUI 14 Android 13 बेस जो है एक ROM लेके आ चुके हैं, जिसको इस टाइम पे हम अपने Redmi K20 Pro के अंदर यूज कर रहे हैं। ROM काफी स्टेबल है और आप इसे एज ए डेली ड्राइवर अपने फोन में यूज कर सकते हैं। काफी सारे नए फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इवन जो है लॉन्चर वो भी आपको जो है मॉडिफाइड देखने को मिलता है। इवन जो है IO स्टाइल जो है रीसेंट टैब्स आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। डायलर जो है आपको इसके अंदर MIUI का ही देखने को मिलता है, जिसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी ROM के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर देगा। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाएं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा ये वीडियो को और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे MIUI 14 वर्जन 14.0.10.0 है Redmi K20 Pro और आपको जो है Android 13 के साथ यहाँ पे प्रोवाइड किया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे Android 13 एंड सिक्योरिटी पैच जो है आपको इसके अंदर 1st of January 2023 का यहाँ पे डेवलपर्स ने प्रोवाइड किया गया है। आपको काफी सारे जो है विजेट्स यहाँ मिल जाते हैं, काफी सारे नए विजेट्स मिलते हैं। आपको जो है आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है सुपर आइकन्स का, जिसको आप एडिट आइकन करके यहाँ से यूज कर सकते हैं। इवन जो है आपको सुपर फोल्डर्स का भी ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इवन जो लॉन्चर है वो भी जो है फुल्ली कस्टमाइज्ड है, काफी सारी सेटिंग्स उसके अंदर आपको मिल जाती है। काफी सारे ऑप्शन जो है आपको उसके लॉन्चर मिल जाते हैं, यानी काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन आपको उसके अंदर मिल जाती है। तो इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं। IO स्टाइल जैसे जो है रीसेंट टैब्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। ये सबसे अच्छी बात है कि लॉन्चर फुल्ली मॉडिफाइड है, सभी विजेट्स यानी कि MIUI चाइना के सभी फीचर्स मिलते हैं। कंट्रोल सेंटर भी आपको जो है MIUI म्यूजिक प्लेयर के साथ यहाँ पे डेवलपर ने प्रोवाइड किया है। सारा का सारा क्रेडिट जो इनके डेवलप हो जाता है। एनिमेशन आप देख ही पा रहे होंगे काफी स्मूथ है और आप इस ROM को एज ए डेली ड्राइवर अपने फोन में यूज कर सकते हैं। सारी चीजें जो है परफेक्ट तरीके से काम करती हुई मिल जाती है। इवन जो कैमरा है वो भी वर्किंग है, आपका जो फ्रंट कैमरा है वो भी इसमें फुल्ली वर्किंग है। सारी की सारी चीजें जो है परफेक्ट तरीके से काम करती हुई आपको मिल जाती है। आप इसके अंदर प्ले स्टोर को भी यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे प्ले स्टोर को हमने इंस्टॉल कर रखा है। अब काफी लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि प्ले स्टोर जो है सर्टिफाइड है कि नहीं है, तो वो मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। चलते हैं प्ले स्टोर की सेटिंग्स पे, अबाउट फोन पे, और आप देख पा रहे होंगे डिवाइस इज सर्टिफाइड। इवन जो है सेफ्टी नेट भी आपको इसके अंदर पास देखने को मिलता है, रन सेफ्टी नेट। तो ये देख पाएंगे आप सभी के सभी रिजल्ट जो है आपको पास देखने को मिलते हैं। तो बैंकिंग एप्लीकेशंस को आप ठीक तरीके से रन कर पाएंगे। थीम स्टोर जो है फुल्ली अपडेटेड है, जिसके अंदर आपको विजेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ आपको जो है सुपर आइकन्स, जिसके अंदर जो है काफी सारे जो है नए सुपर आइकन्स आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं और काफी सारे नए विजेट्स जो है अब आपको यहाँ पे इसके अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं, जिनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपका जो थीम स्टोर है वो भी फुल्ली अपडेटेड है। सारी की सारी चीज जो है परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। सेटिंग्स पैनल में आपको जो है वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको सभी के सभी सुपर वॉलपेपर्स और सभी लेटेस्ट वॉलपेपर्स जो है MIUI 14 के वो आपको डेवलपर ने यहाँ पे प्रोवाइड किए। इवन जो है लॉक स्क्रीन में अगर आप जाएं तो लॉक स्क्रीन में आपको जो है यहाँ पे पॉकेट मोड भी यहाँ पे देखने को मिला है। डिस्प्ले के अंदर जाते हैं तो डिस्प्ले के अंदर वही चीजें मिल जाती हैं, जैसे रीडिंग मोड, कलर स्कीम, फॉन्ट सेटिंग्स वगैरह। ये सब चीजों को आप यहाँ पे चेक करते हैं। होम स्क्रीन में आपको दिखा चुका हूँ, फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। सिक्योरिटी में सभी लेटेस्ट टूल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आपको MIUI चाइना ROM में मिलते हैं। अगर बैटरी पैनल की बात की जाए तो बैटरी पैनल भी फुल्ली अपडेटेड है, कुछ इस तरीके के ऑप्शंस के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और साथ ही साथ कुछ और चीजें भी आपको मिल जाती हैं, जैसे एडिशनल सेटिंग्स में आप इसके अंदर जाएं तो आपको काफी सारी चीजें मिलती हैं, जैसे टैप प्लस को आप यहाँ पे कुछ तरीके से होल्ड करते हैं, आप इसको यहाँ पे यूज कर पाते हैं। टैप प्लस भी आपको इसके अंदर यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाता है। मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ आपको जो है इसके अंदर LED लाइट, फ्रंट कैमरा इफेक्ट्स, ये सारे के सारे मिल जाते हैं। और आपको इसके अंदर आपको फ्लोटिंग विंडोज के अंदर साइड बार का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसको हम अपनी गैलरी के अंदर यूज कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ किस तरह का लुक आपको देखने मिलता है। गैलरी भी फुल्ली अपडेटेड है, रिकमेंडेशन के टैब के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पे अपडेट भी आता है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। इवन जो है सेटिंग्स में जाके आप कुछ और चीजों को चेंज करना चाहें तो वो भी आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो गैलरी जो है फुल्ली अपडेटेड है और काफी सारे टूल्स भी आपको यहाँ पे दिए गए। साइड बार का लुक आपको कुछ इस तरह का देखने मिलता है, जहां से आप ऐसे फ्लोटिंग विंडोज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे आप एक साथ जो है दो फ्लोटिंग विंडोज जो यहाँ पे यूज कर पाते हैं, जिनमें कुछ इस तरीके के बबल्स आपको देखने को मिलते हैं और आप इनको कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। तो ड्यूल फ्लोटिंग विंडोज का ऑप्शन जो है इस ROM में फुल्ली वर्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कोई भी ब्लॉटवेयर आपको देखने को नहीं मिलता है, कुछ लिमिटेड एप्स आपको देखने को मिलती है। गेट एप्स जो है आपको जरूर यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो है गेम बूस्टर आपको मिलता है, वॉइस चेंजर आपको यहाँ पे मिला है, बैलेंस एंड परफॉर्मेंस मोड को भी आप यहाँ पे ठीक तरीके से आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई ज्यादा ब्लॉटवेयर आपको यहाँ पे दिया नहीं गया है, कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन आपको दिए गए हैं और गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट भी आपको दिया गया है। थीम स्टोर फुली अपडेट है और सेटिंग पैनल भी पूरा अपडेट है और सभी MIUI 14 के फीचर जो है आपको इसके अंदर वर्किंग देखने को मिले हैं। एडिशनल सेटिंग्स में भी आपको मेमोरी एक्सटेंशन, स्क्रीन टाइम वगैरह सारे के सारी चीजें जो है इसके अंदर आपको अपडेटेड ही यहाँ पे देखने को मिली है।
तो आप इस रोम को एज ए डेली ड्राइवर जो है अपने फोन के अंदर यूज करते हैं। सबसे अच्छी बात की कि MIUI इंडिया के अंदर जो है आपको सुपर आइकन और नए विजेट्स हैं वो देखने को नहीं मिले हैं, बट इस रोम के अंदर जो है आपको सभी के सभी नए विजेट्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। आप जो है रिकमेंडेड में, कैटेगरीज में जाके और डिस्कवर में जाके जो है और भी काफी सारे नए विजेट्स को यहाँ पे डाउनलोड करके उनको अपने फोन के अंदर यूज करते हैं। कोई भी विजेट ऐड करना है तो आप उसकी गैलरी पर जाइए, उसको सर्च कीजिए और जो भी विजेट आपको पसंद है, सपोज कीजिए कि आपको कोई विजेट पसंद आता है तो ऐड टू होम स्क्रीन नहीं करेंगे आप, डायरेक्टली जो है इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और जो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से हमारी स्क्रीन के ऊपर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से जो है ये कुछ रोम जो है आपको परफॉर्म करता हुआ यहाँ पे मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए इस जिप फाइल को डाउनलोड करना है जो कि अराउंड 2.98 GB की है। डाटा का बैकअप ले लीजिएगा क्योंकि आपको फॉर्मेट डाटा करना पड़ेगा और कोई कस्टम रिकवरी इसके अंदर यूज करनी पड़ेगी, तो डाटा का बैकअप जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको कुछ तरीके का पावर मेनू मिलता है, तो हम डायरेक्टली यहीं से रिकवरी मोड पे इसके अंदर बूट कर लेते हैं। हम इसके अंदर ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी को यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लेटेस्ट ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी को ही यूज करें और डाटा का बैकअप जरूर ले लें क्योंकि आपका डाटा जो है इसमें डिलीट होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं K20 Pro को कोई भी अपडेट नहीं मिलने वाला है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस रोम को इंस्टॉल करें और MIUI 14 एंड्रॉइड 13 बेस्ड रोम को सभी फीचर्स अपने फोन में एंजॉय कर सकते हैं। चाइना के सभी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिले। रोम की फाइल को सिलेक्ट कीजिए और स्वाइप टू फ्लैश कर दीजिए। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये सक्सेसफुली एक बार हमारे फोन के अंदर फ्लैश हो पाए। तो ये देखिए रोम जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, वाइप पे जाएंगे, फॉर्मेट डाटा यहाँ लिखेंगे YES और ओके कर देंगे। जैसे फॉर्मेट डाटा जो है यानी कि फैक्ट्री रीसेट जो है कंप्लीट हो जाता है, आपने फोन को रीबूट सिस्टम कर देना है और उसके बाद जो है आप एंड्रॉइड 13 बेस्ड MIUI 14 रोम को अपने K20 Pro में ठीक तरीके से रन कर पाएंगे। अपने फोन को सेटअप कीजिए और इस रोम के सभी फीचर्स आप अपने K20 Pro में एंजॉय कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।